हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये आपके बेसिक रिलेटेड है राजस्थान जेल पहरी से। जी दोस्तों, राजस्थान जेल पहरी की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आ चुकी है और इसमें लिए आपके कम से कम 10 दिन आपके पास बचे हैं, तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं तार्किक और मानसिक क्षमता के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें जो है नंबर गेन करना आपके लिए बहुत आराम से चीज है, क्योंकि इसमें आप नंबर आराम से गेन कर सकते हैं और आपके अगर नंबर इसमें फुल बटा फुल भी आते हैं तो आप इसमें जो है आगे सिलेक्शन के लिए ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एंड जो मॉक टेस्ट इसका जो जारी किया गया है उस बेस पर हमने यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन कंडक्ट हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पॉज करने के बाद जब सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आपको अंतिम अज्ञात संख्या क्या होगी ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो इन नंबर सीरीज में होता क्या है, आपको देखनी होती जो सीरीज दे रखी है ये आपकी कैसे कैसे चल रही है। तो देखिए, 44 से ये सीरीज हुई 55, 55 से 66, 66 से 88 और फिर उसके बाद 110 एंड 143 हो गया। तो फर्क क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे नहीं, 44 से 55 तक जाने के लिए प्लस 11 जो है आपको ऐड करने पड़ते हैं, 55 से 66 तक जाने के लिए आपको फिर 11 ऐड करने पड़ते हैं, पर 66 से 88 तक जाने के लिए आपको 22 ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ और देखते हैं आगे, तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको 22 ऐड करने पड़ रहे हैं और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो है मुझे 33 ऐड करने पड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 11, फिर 22 और फिर 33 यहाँ पर ऐसे ऐड हो रहे हैं, पर दोनों डबल डबल बार ऐड हो रहे हैं, मतलब जो नेक्स्ट संख्या होगी वो दोबारा से प्लस 33 ही आपकी होगी। तो 143 प्लस 33 जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है ऑप्शन 2 176 जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जो संख्या यहाँ पर क्या आएगी वो हमको निकालनी है। अब ये कई तरीके से जो टेबल आपको दे रखी है सॉल्व आपकी हो सकती है, तो आप इसमें आपको पकड़ना है कि किस हिसाब से ये सीरीज आपको दी गई है। तो यहाँ आप इनको गुना करके देखिए, भाग करके देखिए या फिर आप क्यूब या स्क्वायर करके देखिए, जिससे आपको आसानी से पता लग सके कि क्या यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। अगर यहाँ पर अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो अगर आप देखेंगे, देखिए 17 × 12 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 12 × 7 = 84 और 12 × 12 = 20 204, ठीक है, पर यहाँ पर 102 है। अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो 104 का जो आधा होता है वो 102 होता है, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन नहीं रही है। तो अगर मैं सेम यहीं पर प्रोसेस यही करूँ कि 15 × 10 डेट इज 150 और 150 का आधा कितना होता है मेरा 75, तो 75 जो है ऑप्शन 3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको अंतर संबंध शब्द देख रखे हैं लाल एवं रंग में है, उसी प्रकार आपको इन युग में छांटना है कि जैसा संबंध लाल और रंग में है वैसे ही किस में है। तो देखिए लाल जो है वो एक प्रकार का क्या है, रंग है, तो यहां पर भी हमको वही चीज ढूंढनी है। तो देखिए जल जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है, तो ऑप्शन 4th जो है बिल्कुल सही आंसर यहां रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों से एक एक मैच खेलना है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो आपको यहां पर इसका जो है आंसर निकालना है। तो देखिए मैक्सिमम कितने मैच खेलेगी एक टीम, तो वो खेलेगी 5, ठीक है, 5, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 2 और उसके बाद 1, तो ये मैचों की पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। तो यहां पर जब आप इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 12 और 3 15, तो यहां पर क्या है प्रतियोगिता में जो कुल टोटल मैच खेले जाएंगे वो कितने खेले जाएंगे, ऑप्शन 4 मींस 15 जो है यहां पर खेले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखें तो दाई ओर से 17वें और बाई ओर से 12वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हमने देखिए जेड से स्टार्ट किया है इसको और ए तक हम गए हैं, ये आपका बाया पक्ष होता है और ये आपका दाया पक्ष होता है, जैसे आप बैठते हैं हाथ के हिसाब से, तो आपका हाथ जो है राइट हैंड इस साइड होता है और लेफ्ट हैंड इस साइड होता है, तो ये आपके पक्ष होते हैं। अब ये कहता है कि दाईं ओर से 17वें, मतलब यहां से 17वें पक्ष पर, तो देखिए 17वें नंबर पर कौन सा जो है अल्फाबेट आता है, तो देखिए गिन लीजिए आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, और फिर कहता है 12वें अक्षर के मध्य में 12वीं ओर से, तो बाई ओर से 12वां कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12,
तो ये देखिए ये और ये दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा आपका, पी। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाता है और ए डबल एस को 41 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में बॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी की जो नंबरिंग होती है अल्फाबेट में, कि 26 जो है अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक, तो पी कौन से नंबर पर आता है। तो अगर आप पी का नंबर आपको पता है तो देखिए कितने नंबर पर आता है, 16 पर। उसके बाद जो ओ है वो आता है आपका 15 पर, और ओ दो बार है आपका, और साथ में आर, आर कितने पर आता है आपका 18 पे। इनको आप यहां पर जोड़ दीजिए तो आपका ये होता है 64, पर यहां पर जो है आपको दे रखा है 66, मतलब दो एक्स्ट्रा तो आपने क्या किया है, दो यहां पर जोड़ दिया है। अगर मैं यहां पर भी करके देखूं एक बार इसको, कि देखिए ए का जो मान है वो है 1, एस का जो मान होता है वो होता है 19 प्लस 19, तो देखिए 19 दुनी 38 और एक 39, पर 39 के लिए कितना है 41, मतलब दो फिर जोड़ रखा है तब 41 यहां होता है। तो हमको सेम यहां प्रोसेस करनी होगी। तो देखिए बी का जो कोड है वो है 2, O का जो कोड है वो है आपका 15, एंड Y का जो कोड है वो है आपका 25। इनको आप जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 42। पर यहां पर हमको करना क्या होगा, दो और जोड़ना होगा, जिससे जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा यहां पर 44, मतलब ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो आपको कथन दिए गए हैं यहां पर और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कौन सा जो निष्कर्ष है वो इसमें आपका बिल्कुल सही है वो आपको देखना है। तो जैसा कि मैंने एक श्लोक का आपको एक वीडियो बनाया था बेसिक का, यदि आपने वो देखा है तो बहुत सिंपल ये आपका होता है, ज्यादा हार्ड ये क्वेश्चन आपके यहां पूछे नहीं जाते हैं। तो देखिए सभी बसें सड़क हैं। अब सभी बसें, जो बसों का प्लॉट मैंने यहां बना दिया कि ये बस का प्लॉट है, तो ये सारी की सारी बसों का जो प्लॉट है वो क्या है आपका, सड़क है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, सड़क है। अब कहता है आगे स्टेटमेंट पे कि सभी सड़क नदी हैं, ये जो सारी की सारी सड़क है वो क्या है आपकी, नदी है। क्या है, नदी है। तो हमने यहां वेन डायग्राम बना लिया। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए सभी बसें नदी हैं, तो सारी की सारी बसें हैं वो नदी हैं। अब देखिए अगर सड़क का मैं पार्ट हटा दूं तो सारी की सारी बसें नदी हैं, मतलब ये बिल्कुल आपका सही है। कुछ सड़कें बस हैं, कुछ सड़कें मतलब सड़क का जो हिस्सा है कुछ ना कुछ वो बस है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो जो बस का वो सड़क के अंदर आता है, तो मतलब ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुछ नदियां सड़क हैं। अब कुछ नदियां सड़क हैं, तो देखिए नदी का कुछ पार्ट सड़क है, दिख रहा है आपको यहां पर, इससे सड़क ने कुछ हिस्सा घेर रखा है, तो यहां पर ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट इसका सही है। उसके बाद कुछ नदियां बस हैं। अब कुछ नदियां जो है बस हैं, तो ये कुछ नदियां भी बस हैं, मतलब यहां पर जो चारे निष्कर्ष दे रखे हैं चारों के चारों वो सारे के सारे क्या है यहां पर, सही है। तो ऑप्शन 4 जो है इनमें से सभी ये बिल्कुल यहां पर सही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां पर यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है एवं माइनस का अर्थ भाग हो, तो आप तो ये सीरीज दे रखी है, इसका वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपके सामने जो हमको एक बार लिख लेता हूं मैं इसको, देखिए 1 प्लस को हम क्या लिखेंगे यहां पर, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 1 माइनस को हम क्या लिखेंगे, भाग। ठीक है, उसके बाद फिर 1 प्लस को फिर आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 1, फिर उसके बाद भाग, 1 मल्टीप्लाई, 1 भाग, 1, और फिर उसके बाद आपका जो भाग है तो भाग 1। तो देखिए बोड़ा मास के हिसाब से हमको सबसे पहले भाग को जो है सॉल्व करना होता है। अगर देखिए मैं यहां पर इस चीज को लेकर चलूं तो ये आपका है क्या, देखिए ये है आपका 1/1, और फिर उसके बाद फिर ये 1 है, तो ये जब सब कंप्लीट कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ यहां पर 1 ही बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर भाग है आपका, तो इसमें जब आप भाग देंगे 1/ भाग में देंगे तो ये भी क्या आपका आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई बाय यहां पर भी जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 ही आएगा एंड में। ठीक है, तो आपका जो आंसर वो आपको सिर्फ ओनली ऑप्शन 1 रहेगा। अब यहां पर देखिए 1 की संख्या दे रखी है, इसलिए आप इसको बिना सॉल्व करे भी देख सकते थे कि इसका जो आंसर है 1 आपका रहेगा। पर अगर आप फिर भी अगर कोई बड़ी संख्या आपको देती है, मतलब 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो यहां पर आपको एक बार सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले आपको भाग ही सॉल्व करना है, उसके बाद ही आप इसको आंसर को सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 18, 42 और 6 के समान जो संबंध दे रखा है उसमें आपका जो विकल्प है वो सेम संबंध कौन से विकल्प में रहेगा। तो देखिए यहां पर क्या संबंध है, तो देखिए एक बार मैं इसको अगर सिंपलीफाई कर लेता हूं, थोड़ा काट लेता हूं, तो देखिए 36 होते हैं 18, 6, 7, 42 और 6, 1, 6, मतलब जो संख्या है 3:7:1 में है, तो यहां पर आपको देखना है कौन सा जो ऐसी संख्या है जो इसी अनुपात में दे रखी है। तो आप देखिए 5, 1, 5,
5735 और 515, मतलब ऑप्शन थ्री जो है वो आपके इसी क्रम में दे रखा है, तो ऑप्शन थ्री जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखिए अभी वही क्वेश्चन वापस आपका यहाँ पर आ गया है, तो इसको तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो देखिए, रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपए में बेच दी, साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम में मूल्य पर बेचा, तो रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि सीपी साइकिल के जो एसपी जो है वो आपको पता है कितना है, 1170 रुपए आपको पता है। ठीक है, अब ये कहता है कि साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये होती है 1/10, मतलब 10 रुपए में अगर उसने खरीदा होगा तो 1 रुपए कम में उसने बेचा होगा, तो 9 रुपए है वो क्या हो रही होगी, उसकी एसपी रही होगी। ठीक है, अब हमको पता है कि 9 की यूनिट की वैल्यू हमको पता है 1170 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, तो 130 आई एक यूनिट की वैल्यू। आपका जो सीपी है वो कितना है, 10 यूनिट है, एक की वैल्यू यदि एक है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1300 रुपए, मतलब ऑप्शन फोर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कूट भाषा में वर्ड दे रखा है और उसका जो मीनिंग दे रखी है, तो इसी कूट भाषा में आपको बताना है टाइगर हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कोड जो है पहचानने होते हैं, तो देखिए एम को डब्लू लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, या आपको देखना होगा। तो देखिए अगर मैं एम को रिलेट करूँ के से, तो ये एम के से रिलेट हो जाता है, कितने हो जाता है, के से रिलेट हो जाता है, क्योंकि ये आपका इसमें बीच में सिर्फ एक ही वर्ड आपका पड़ता है, मतलब ये -2 आपका यहाँ पर चल रहा है। ठीक है ना, -2 करा उसके बाद आपने ये लिखा। ऐसे ही ओ से यदि आप एम तक चलें, ओ से एम तक चलें तो भी आपको -2 करना पड़ता है, यदि आप एन से एल तक चलें तो भी आपको -2 करना पड़ता है, ऐसे ही के से आई तक, ई से सी तक और वाई से डब्लू तक जो है आपको सब में -2 -2 -2 करेंगे तो आपके पास जो है वर्ड निकल के ये वाला आ जाएगा। तो सेम हमको प्रोसेस यहां करनी है, तो जो टी है उसका जो वर्ड होगा वो लास्ट में आएगा और आर का जो वर्ड है वो पहले आएगा। ठीक है, तो आर से -2 में आप देखिए क्या आता है, तो अगर आप आर से पीछे की तरफ चलेंगे तो आर से पीछे चलिए तो आर क्यू पी, तो पहला जो वर्ड होगा वो होगा आपका पी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो वर्ड यहाँ बचते हैं, तो पी सी, तो आपका मतलब दो वर्ड आपके पास कॉमन आ चुके हैं। आप क्योंकि ये पांच में है तो इसका जो जी है उसका सीधा सीधा आपका फर्क यहाँ पर दिख जाएगा, तो जी से आप दो अक्षर पीछे फिर चलिए तो आपको मिलेगा ई। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन थ्री जो है वो बिल्कुल सही है, तो पी सी ई जी और आर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने की राजस्थान जेल पहरी के कुछ क्वेश्चंस को, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।